गरियाबंद जिले के छुरा में स्थित बहुचर्चित छत्तीसगढ़ संकल्प हॉस्पिटल में हुए नवजात शिशु की मौत के मामले में बृंदा नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक जनक ध्रुव ने छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल से उचित कार्रवाई करने के लिए कहा है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले कमार परिवार की महिला जो लगभग 7 माह की गर्भवती को बुखार लगने के बाद छत्तीसगढ़ संकल्प हॉस्पिटल छुरा में भर्ती कराया गया था, जहां परिजनों का आरोप है कि इलाज करने में लापरवाही बरतने से नवजात शिशु की मौत हो गई, मामले को लेकर विधायक ने स्वास्थ्य मंत्री से उचित कार्रवाई की मांग की है। निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर मामला है, चूँकि आदिवासी युवती है और युवती के साथ इस प्रकार से घटना घटी, बहुत ही दुखद समाचार है। और इस मामला को लेकर के उनके पीड़ित परिवार के लोग मेरे निवास स्थान नाहनगिरी मैनपुर तक आए थे और उनको मैं आश्वासन भी दिया हूँ कि मैं स्वास्थ्य मंत्री जी को और स्वास्थ्य सेक्रेटरी को इस पर अवगत कराऊँगा और उचित कार्रवाई करने के लिए मैं अपने पत्र के माध्यम से उसको पत्र भेजूँगा करके आज वही पत्र स्वास्थ्य मंत्री को और स्वास्थ्य सेक्रेटरी को दिया हूँ। निश्चित रूप से जो भी उचित होगा उस पर कार्रवाई करेंगे और जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई किया जाएगा।